गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास यूकेजी, सब्जेक्ट मैथ्स। टुडे इज योर रिवीजन वर्क, स्टार्ट नाउ। ओके, देखिए फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट कम्स आफ्टर। आफ्टर नंबर आपने किए हुए हैं, अच्छे से आते हैं आपको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, आफ्टर नंबर में क्या है बेटा, मैंने पहले ही बताया है, आज फिर से समझा रही हूँ जिन बच्चों को नहीं आया या जिन्होंने नहीं पढ़ा। देखिए आफ्टर नंबर में हम कहाँ की डिजिट देखते हैं, काउंटिंग में जस्ट नीचे की डिजिट देखते हैं। आपको काउंटिंग आती है ना, सबको, जो बच्चे काउंटिंग जानते हैं 1 to 100 वो आफ्टर नंबर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और 1 to 100 तो सबको ही आता है। ठीक है, आप देखिए आफ्टर नंबर के लिए क्या, जैसे आपका जो भी नंबर है उसके जस्ट नीचे की डिजिट आप जो होगी वो उसका आफ्टर नंबर होगा। जैसे अब इसमें है 32 के जस्ट नीचे क्या आता है, 33। ओके, तो इसका आप ऑप्शन में चेक करेंगे 33 कहाँ है, ए में है, देखिए 33 हमें ए में मिल गया और हमें इसमें वैसे भी टिक लगाना है, तो ए में 33 है तो आप किस पर टिक करेंगे, ए में टिक करेंगे 33। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका 46। अब आप देखेंगे 46 है ना, 46 के जस्ट नीचे क्या आता है, 47, तो हम किस पर टिक लगाएंगे, 47 पर। आप चेक करिए ए में है 47, ए में क्या है 45 है, तो ये इसका आंसर नहीं है। फिर बी में चेक करेंगे 47 है, हाँ बी में 47 है, तो हमने किस पर टिक लगाया, बी में, क्योंकि बी में 47 नंबर है। अब देखिए आगे व्हाट कम्स बिफोर। बिफोर में क्या होता है कि आफ्टर में तो हमने नीचे का देखा जस्ट, और बिफोर में हम काउंटिंग के जस्ट ऊपर का नंबर देखते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए 29 है, 29 के जस्ट ऊपर कौन सी डिजिट आती है, 29, या फिर हम बैक काउंटिंग भी कर सकते हैं, बैक काउंटिंग से भी कर सकते हैं, बैक काउंटिंग में तो नीचे ही देखेंगे और अगर हम काउंटिंग से करते हैं तो ऊपर की देखेंगे। तो बैक काउंटिंग से देखिए आप 29 के नीचे, या फिर काउंटिंग से देखिए तो 29 के जस्ट ऊपर क्या आता है, 28। तो 29 के जस्ट ऊपर क्या आया, 28, तो हम ए ऑप्शन में देखा 28 है तो ए पर टिक लगाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट नंबर है आपका 15 के जस्ट ऊपर कौन सी डिजिट आती है काउंटिंग में, 15 के जस्ट ऊपर आता है 1 for 14, तो 1 for 14 में आप चेक करेंगे ए ऑप्शन में है, यस ए में है 1 for 14, तो हम यहाँ टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट कम्स बिटवीन नंबर। बिटवीन नंबर होता है बीच में, जैसे आपके पास 2 नंबर्स लिखे हुए हैं और जो बीच में स्पेस है उसे हमें फिल करना है, तो उसमें काउंटिंग का एक नंबर पहले का और एक नंबर बाद का, मतलब एक नंबर आफ्टर का और एक नंबर बिफोर का होगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अब जैसे आपका ये नंबर है 25-27, तो 25 के जस्ट आफ्टर, 25 के जस्ट नीचे नंबर कौन सा आता है, 25, नेक्स्ट 26, तो इसका नंबर क्या हुआ, 26। चेक करिए ए में है, नहीं ए में क्यों नहीं है, 24 है यहाँ पर, और बी में 26, तो हम टिक किस पर लगाएंगे, बी में टिक लगाएंगे 26 पर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर चेक करिए 48 के जस्ट नीचे क्या आता है, और डैश 48 के जस्ट नीचे और 50 के जस्ट ऊपर, तो 48 के आगे काउंटिंग आप बोलेंगे 49, तो 49 देखिए कहाँ पर है, ए में है 49, नहीं 46 है यहाँ, और बी में 49 है, तो हमने कहाँ टिक लगाया, बी में टिक लगाया 49 नंबर पर। अब चलिए आगे चलते हैं, राइट टेबल। आपको टेबल कंप्लीट करनी है, पूरी टेबल नहीं है आपके पास, उसे मैंने फिलिप्स बना के दिया है और ऑप्शन भी है आपके। देखिए 26R-, आप 26R- आप छोटे बच्चे एकदम से नहीं बता सकते, तो आपको क्या करना है, आप 2 का टेबल स्टार्टिंग से बोलेंगे और 26R पर आपको स्टॉप हो जाना है, जो उसका 26R नंबर आएगा वो आपका आंसर है। बोलिए मेरे साथ 21R-2, 22R-4, 23R-6, 24R-8, 25R-10, 26R-12, आ गया ना 26R-12। अब चेक करिए ये ऑप्शन में है, ए में है 26R-12, तो आपने किस पर टिक लगाया, ए पर टिक लगाया। नेक्स्ट है 35R। अब आपको फिर से वही सेम करना है, 3 का टेबल काउंट करके देखना है, बोल के देखना है, बोलिए 3 का टेबल, 3 1's are 3, 3 2's are 6, 3 3's are 9, 3 4's are 12, 3 5's are 15। अब 3 5's पर आपको पूछ जाना है, 3 5's are 15 है आपका, देखिए ए में है 1 to 12 है, नहीं बी में है 15, 3 5's are 15 पर आप टिक का निशान लगाएंगे बी ऑप्शन पर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ है 4 3's are, अब आपको 4 का
थ्रीज आर 12। तो अब देखिए 12 कहां पर है, ए ऑप्शन में 12 है। यस, तो हम टिक किस पर लगाएंगे, ए ऑप्शन पर लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका एडिशन। व्हाट आर गेट, अब आपका यहां 3 है, यहां 4 है, ए और बी ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन हमें इसे सॉल्व करके देखना है पहले। ठीक है, यहां क्या है, ये 3, तो हम कितनी लाइंस बनाएंगे, 3। ओके, तो 6 आया।